Shri Ram, Shri Ram. प्रणाम और आदर पूर्वक नमन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। जय श्री राम। आज सुनते हैं रामायण की कहानी। श्री राम, श्री राम। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा थे। कौशल्या, केकई और सुमित्रा उनकी रानियां थी। संतान प्राप्ति हेतु राजा दशरथ ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से कौशल्या ने राम, केकई ने भरत तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। श्री राम, श्री राम। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब राम शिव धनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे तब वो बीच ही से टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता से विवाह किया। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। राम के विवाह के पश्चात राजा दशरथ ने उनका राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन केकई की दासी मंथरा ने केकई की बुद्धि को फेर दिया। वो कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो केकई ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। रंगवीरपुर में निषाद राज गुह ने तीनों की बहुत सेवा की। केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे, जिनकी मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। उधर पुत्र वियोग के कारण राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। महर्षि वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुला लिया। भरत ने अपनी माता केकई की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट गए, लेकिन राम ने अयोध्या वापस आने का प्रस्ताव अमान्य कर दिया। तब भरत राम की पादुका लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। कुछ समय पश्चात राम चित्रकूट से अत्र ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्र ऋषि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म समझाए। वहां से फिर राम ने आगे प्रस्थान किया और शरभंग मुनि से भेंट की, जो केवल राम के दर्शन की कामना हेतु जिंदा थे। दर्शन पूर्ण हो जाने पर योगाग्नि से उन्होंने अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक के लिए गमन किया। राम और आगे बढ़े और पथ में सुतिक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया। कंजलोचन कंजमुख
दंडक वन में अपनी मुलाकात जटायु से हुई। राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया। राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता की मांग की। लड़ाई में राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता ने राम से की। लक्ष्मण को सीता की रक्षा की आज्ञा देकर राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच राम के हाथों मारा गया, पर मरते मरते मारीच ने राम की आवाज बनाकर हा लक्ष्मण का क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता ने आशंकावश होकर लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। अकेली सीता का रावण ने छल पूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने तलवार के प्रहार से उसे अधमरा कर दिया। सीता को न पाकर राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपने दुर्दशा होने और सीता को हर कर दक्षिण की दिशा ले जाने की बात बताई और फिर अपने प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और सीता की खोज में आगे बढ़े। रास्ते में रामदेव दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम जहां पहुंचे, वहां उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति के वश में होकर राम ने खाया। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर और आगे बढ़ते गए। राम ऋष्मुख पर्वत के निकट आ गए, जहां अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो, हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि वो माता जानकी को खोजने में उनकी सहायता करेगा। श्री राम श्री राम। साथ ही सुग्रीव अपने भाई बाली के द्वारा उसके ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में भी उसने राम को बताया। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को कृष्णकिंधा का राजा तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज में भेजा। वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। उसने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका में अशोक वाटिका में रखा है। जामवंत ने तब हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद भी दिया। मार्ग में हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकनी पर प्रहार करके उन्होंने लंका में प्रवेश किया। श्री राम श्री राम। हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे तो रावण सीता को धमका रहा था।
रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान जी ने सीता माता से भेंट करके उन्हें राम की मुद्रिका दी। हनुमान ने अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाथ हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया। रावण ने हनुमान की पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दी। इस पर हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। हनुमान वापस पुनः सीता के पास पहुंचे। सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। वे वापस समुद्र पार आकर सभी वानरों से मिले। हनुमान के कार्य से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर न लें। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित करके लंका से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में आ गए। राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर राम ने क्रोध किया, जिससे भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं आकर राम की विनती और नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय भी बताया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। श्री राम ये समाचार सुनकर रावण अत्यंत व्याकुल हुआ। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ मेरु पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम के शरण में आने का संदेश भी दिया, किंतु मूर्ख रावण नहीं माना। श्री राम श्री राम। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्तिमान के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान संजीवनी लाने के लिए चले गए। मार्ग में हनुमान को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, पर यथार्थ जानने पर अपने बाण पर बैठाकर भरत ने उन्हें वापस लंका भेज दिया। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ गए और उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। श्री राम श्री राम। अब रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। श्री राम।
लक्ष्मण ने मेघनाथ से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेक घोर युद्ध हुए। और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम विभीषण को लंका का राज सौंप कर राम सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। राम अयोध्या वापस पहुंचे। राम का भव्य स्वागत हुआ। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य एक आदर्श बन गया। श्री राम श्री राम। तो ये थी रामायण की एक लघु कथा। साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।